हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लाए हैं। यह दिया गया है ए इक्वल टू लॉग 5 बेस टू 125 के होल पावर लॉग 125 बेस टू 5। हमें लॉग ए बेस टू 3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह बताते हैं कि जैसे यहाँ दिया गया है 125 है, तो इसको 125 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक। और एक और फार्मूला है, जैसे लॉग ए है बेस टू बी है, इसको लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी। अब इसी का यूज़ हम इसमें करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करते क्या हैं, यहाँ पर लिखते हैं लॉग 5, ये अपॉन में हो जाएगा 100 लॉग 125 और होल पावर लॉग 5 125। ठीक है। इसके आगे इसको हम लिख सकते हैं लॉग 5 अपॉन लॉग 125 है, ये है 5 की पावर 3, तो लिख देते हैं 5 की पावर 3 और होल पावर लॉग, ये भी 125 है, तो इसको लिख देते हैं 5 की पावर 3 बेस टू 5। ठीक। अब ये 3 इधर आ जाएगा और ये भी 3 इधर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 5 अपॉन 3 लॉग 5 के होल पावर 3 लॉग 5 5 5 बेस टू 5। ठीक है। इसके आगे देखिए, यह लॉग 5, यह लॉग 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन 3 होल पावर। देखिए लॉग 5 है और बेस टू 5 है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 का 3 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3। ठीक है। यह हमें क्या मिला, ए। इसको या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए बराबर 3 है, ये ऊपर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 3 पावर -1 और होल पावर 3, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 3 के पावर -3। ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, इसका लॉग ए बेस टू 3, इसका वैल्यू निकालना है, तो लिख सकते हैं लॉग ए का, ए कितना दिया है 3 के पावर -3 बेस टू 3, -3 आगे आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -3 लॉग 3 बेस टू 3। ठीक है। इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3। यही हमारा राइट आंसर है।